हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। बहुत सारे एग्जाम पास में आ रहे हैं, जैसे एसएससी जेई, डीएमआरसी, डीएमआरसी का सीआरए। आई होप आपका एग्जाम अच्छा जा रहा है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कैसा जा रहा है। हम मिलकर डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए मैंने कुछ ज्योग्राफी का क्वेश्चन आज कवर किया और रिक्वेस्ट भी था कुछ। विच प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड एज। तो ये एक सड़ा सा पिक्चर मैंने आपके लिए बनाया है, बट चलिए कोई नहीं। देखिए, जो ओरिजिन पॉइंट होता है अर्थक्वेक का, उसे बोलते हैं फोकस। जहां से फोकस बोलते हैं या फिर हाइपोसेंटर, ये दोनों वर्ड जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं और वहां से जब सिस्मिक वेव्स जो होते हैं ओरिजिनेट करते हैं, प्रोपागेट करते हैं, तो वो कहलाता है हाइपोसेंटर। और एपिसेंटर, जो एपिसेंटर होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है वहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप नापेंगे उसे कहते हैं एपिसेंटर। ठीक है, तो वर्टिकली जो उसके ऊपर का एरिया होगा ऑब्वियसली वो हो सकता है एपिसेंटर। और सिस्मोग्राफ रिलेटेड है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि सिस्मिक एक्टिविटी या सिस्मिक जो वेव्स निकलते हैं, प्रोपेगेट जो करते हैं, वो मेजर करता है जो इंटेंसिटी है अर्थक्वेक की वो। तो कुछ अर्थक्वेक मेजर प्रोन एरियाज जो इंडिया में हैं, जो मेजर सिटीज में, कुछ नाम बता देता हूँ। गुवाहाटी बहुत हाई जोन, हाई रिस्क जोन में, हाई सिस्मिक जोन जिसको बोलते हैं। फिर श्रीनगर, हमारा नई दिल्ली नेशनल कैपिटल, मुंबई, चेन्नई और मुंबई बहुत ऊपर नहीं, टाइप 3 टाइप 4 के सिस्मिक जोन में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया इज, देखिए पिछले वीडियो में मैं पोर्ट्स के बारे में बात मैंने करी थी एक वीडियो में, अगर आपने देखा हो तो। उसमें एक पॉइंट मैं इंक्लूड करना भूल गया था कि जो सदर्न मोस्ट पोर्ट है इंडिया का वो कौन सा है। सदर्न मोस्ट पोर्ट इंडिया का कोच्चि नहीं है, ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। अगर है तो टूटीकोरिन है सदर्न मोस्ट कोस्ट, जो कोरोमंडल कोस्ट के लॉन्ग पड़ता है, और इस तरफ है कोचिन। ठीक है, तो टूटीकोरिन को बोलते हैं पर्ल सिटी, और पर्ल सिटी इसलिए क्योंकि पर्ल की फिशरी बहुत ज्यादा होती है। इसे एक और नाम देते हैं विलप्पन उलंगनाथन चिदम्बरम, वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ठीक है, एक जो वहां के लीडर थे वीओ चिदम्बरम, और इनके नाम पर इन्हें वीओ चिदम्बरम पोर्ट भी कहा जाता है इस पोर्ट को। तो बेसिक बात ये थी इस क्वेश्चन को लेने का कि सदर्न मोस्ट पोर्ट अगर पूछा जाए तो आप टूटीकोरिन टिक करेंगे। नाउ इन इंडिया एक्टिव वोल्केनो इज फाउंड इन, वोल्केनो दो तरह के होते हैं, पहले तो ये बात, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है डोरमेंट। डोरमेंट मतलब जो सो चुका है, जो दोबारा जागृत नहीं होगा या उससे लावा नहीं निकलेंगे तो इरप्ट नहीं होगा वोल्केनो, और एक्टिव वो जो कभी भी इरप्ट हो सकता है। तो इंडिया में ऐसा एक जगह है सिर्फ जहां पर एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड है, वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है, जिसको बोलते हैं बैरन आइलैंड नाम है, बैरन आइलैंड, ISLANDI। तो ये एक एक्टिव वोल्केनो है इंडिया का। उसी तरीके से बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो है, अगर वर्ल्ड में आप बात करें तो फूजी जापान में पड़ता है, फूजी एक एक्टिव वोल्केनो है। जैसे इटना, ETNA, ये सब इंपॉर्टेंट एक्टिव वोल्केनो है जो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी जब आप पढ़ेंगे। तो इटना है इटाली में, ITALY इटाली, और स्ट्रोम्बिल भी इटाली में है, स्ट्रोम्बिल STROMBIL। और इसी तरह से और भी, वो जैसे जल से राजो साउथ अमेरिका में पड़ता है, फिर माउंट एरेबस जो है अंटार्कटिका में पड़ता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिव वोल्केनोज जो वर्ल्ड के हैं। और डोरमेंट, देखिए डोरमेंट वोल्केनो जो है नारकोडैम आइलैंड अंडमान निकोबार में ही लोकेटेड है, और वो एक डोरमेंट वोल्केनो है। उसी तरह किलिमंजारो जो अफ्रीका में पड़ता है, वो भी एक डोरमेंट वोल्केनो है। माउंट वेरियस VERUBIUS, तो VERUBIUS ये पड़ता है इटाली में, तो ये भी एक एक्टिव डोरमेंट वोल्केनो है। तो ये सब कुछ डोरमेंट वोल्केनो और एक्टिव वोल्केनो। देखिए द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्मी इज, भले ही ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है बट मैं इस क्वेश्चन को पिक कर लिया मैंने। तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्मी है चाइना का आर्मी, पीपल लिबरेशन आर्मी। तो सेकेंड जो यहाँ की जो टोटल फौज है चाइना आर्मी की, वो अप्रोक्सीमेटली 23,30,000 के लगभग है, 23,33,000। उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की, वो है यूनाइटेड स्टेट्स की। इसकी आर्मी तकरीबन 14,92,000, 15 लाख के अप्रॉक्स है। थर्ड नंबर पे हमारा इंडिया है, थर्ड नंबर पे इंडिया 13,25,000 के अप्रॉक्स आर्मी है। और उसके बाद एक पागल सा देश जिसको बोलते हैं नॉर्थ कोरिया, तो
तो ये इस देश की फोर्थ नंबर पे लार्जेस्ट आर्मी है, फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी। नाउ सदर्न मोस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया इज, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में, तो ये भी एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है। मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इंडिया में है वेल्स, और वेल्स जो है अप्रोक्सीमेटली 57% इरीगेशन का कवर करता है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट यूज जो सोर्स ऑफ इरीगेशन है, मोड ऑफ इरीगेशन है, वो है कैनाल, अप्रोक्सीमेटली 31% इंडिया में कैनाल के थ्रू इरीगेशन होता है। फिर टैंक्स वगैरह आते हैं, टैंक्स अप्रोक्सीमेटली 6-7% कंट्रीब्यूट करता है इरीगेशन में। फिर पंप्स वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो है, जो रेस्ट ऑफ रिमेनिंग है। नाउ सिल्वर रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है कई बार। और ग्रीन रेवोल्यूशन तो सबको जानता है, ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट से, फूड ग्रेन से रिलेटेड है। उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन भी आपको पता होगा, मिल्क से रिलेटेड है। और व्हाइट रेवोल्यूशन के पीछे हाथ था वर्गीज थी कुरियन का, जिन्होंने मिल्क फील्ड में जो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ दिखा था 60-70s के समय में। उसी तरह से सिल्वर रिवोल्यूशन रिलेट करता है चिकन एंड एग को, सिल्वर रिवोल्यूशन। और प्राउन जो आप देख रहे हैं, झींगा जिसको बोलते हैं प्राउन, उससे रिलेटेड है पिंक जो रेवोल्यूशन है, पिंक रेवोल्यूशन है, रिलेट करता है प्राउन से। और येलो रेवोल्यूशन जिस ऑयल सीड से करता है, ऑयल सीड। तो इस तरह से बहुत सारे रेवोल्यूशन हैं, आपको याद रखने चाहिए ये सब रेवोल्यूशन। कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में कभी, ब्लैक रेवोल्यूशन जैसे क्रूड डीजल पेट्रोलियम से रिलेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ इन प्रैक्टिस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन विच पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इज कट क्लियर्ड एंड बर्न एंड एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इज कॉल्ड। तो वो फॉरेस्ट का हिस्सा जिसे काट कर क्लीन कर और फिर यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस के लिए, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं झूम एग्रीकल्चर। बेसिकली इसमें जो पार्ट ऑफ फॉरेस्ट है उसको काट दिया जाता है, फिर उसको जलाकर और वहां पर फर्टाइल लैंड पर एग्रीकल्चर किया जाता है, अनाज उगाया जाता है। बट इससे क्या होता है कि 2-3 साल तक प्रैक्टिस किया जाता है, फिर उस लैंड को छोड़ दिया जाता है जब उसकी फर्टिलिटी लॉस हो जाती है। तो इससे फर्टिलिटी लॉस होने के साथ साथ जो सबसे बड़ा इसका दिक्कत है वो है कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो डिग्रेड हो रहा है और सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होते जा रही है। तो ये एक तरह का प्रैक्टिस है जिससे हमारा डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। नाउ थोरियम इज फाउंड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच स्टेट? मोनजाइट सैंड में पाया जाता है, MONZITE, मोनजाइट सैंड में पाया जाता है थोरियम। और ये केरला में, KERALA, केरला में बेसिकली पाया जाता है। जो कोस्ट है हमारा केरला का, उसके अलॉन्ग ये पाया जाता है मोनजाइट सैंड। तो इस तरफ, और देखिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है थोरियम का, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है थोरियम। और चलिए आज का मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, और कमेंट वाया कमेंट आप हमें इस क्वेश्चन का जवाब दें। दूसरे का कमेंट आपको नहीं देखना, पहले आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन ये है, टिन जो है, टिन का मेन ओर क्या है? TIN, टिन। तो इसका मेन ओर क्या है, तो आपको जवाब देना है इसका। तो लेट्स सी कितने लोग सही जवाब देते हैं, और नेट का यूज मत नहीं करना है यहाँ पे आपने। चलिए, विच सिटी इज नोन एज साइंस सिटी ऑफ इंडिया? साइंस सिटी किसे कहते हैं? साइंस सिटी कहते हैं बेंगलुरु को। जी हाँ, बेंगलुरु को आईटी सिटी भी कहते हैं। साइंस सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है बेंगलुरु में। और अहमदाबाद का तो मैंने आपको बताया ही है, मैनचेस्टर ऑफिस या बॉस्टन ऑफिस, तो अहमदाबाद को कहते हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ज़्यादा है गुजरात की तरफ, अहमदाबाद में खास तौर पे, तो इसे कहते हैं। और बिजनेस सिटी है, काफ़ी बिजनेस सिटी है, बहुत बड़ा। पुणे भी वन ऑफ द मेजर स्टेट्स महाराष्ट्र में है, और नई दिल्ली तो सबको पता है कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो लार्जेस्ट रिवर ऑफ चाइना इज, वर्ल्ड का, ये वर्ल्ड जीके में आ गया एक फिर से क्वेश्चन। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी जो है वो है नाइल। नाइल अफ्रीका में है, बट वॉल्यूम वाइज अगर कोई पूछे कि वर्ल्ड का वॉल्यूम वाइज सबसे बड़ा नदी कौन है, तो वो है अमेजन। अमेजन नदी जो है साउथ अमेरिका में है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉल्यूम वाइज नदी है, और ऐसे लेंथ वाइज नाइल है। थर्ड सबसे लार्जेस्ट रिवर जो है वो है यांगटेकियांग, येलो रिवर भी इसको बोलते हैं। अक्रॉस चाइना ये फ्लो करती है, पूरा चाइना। इनफैक्ट ये मानसरोवर लेक से निकल कर गिरती है साउथ चाइना सी में, और 6300 किलोमीटर इसकी लेंथ है अप्रॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर हिल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ओके एवरीबडी, कमेंट करना है आपको, और कमेंट करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। थैंक यू।